जय महाकाल भाई लोग, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आज के नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सीएस रैंकेड मोड। तो आज का वीडियो बहुत ही धांसू मजेदार होने वाला है, तो प्लीज गाइस वीडियो को स्किप मत करना। एंड अभी भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो भाई जैसे आपको पता ही होगा कि मैं इलाइट हीरोइक लगा चुका हूँ, तो भाई अब मेरे को मास्टर लगाना था। तो मैं भाई मास्टर लगाने के लिए पहला गेम अपना स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई पहले ही गेम में मेरा 3-0 हो चुका था। बहुत तगड़े वाले बंदे आ चुके थे भाई इसमें, मेरा देख सकते हो आप लोग, मेरा इनका 3 और मेरा 0 हो चुका था। और मैं यहाँ पर एक बंदा डाउन कर देता हूँ इस पर। अब मैं कैमबैक भाई देखो कैसे करता हूँ, ठीक ना। इतना बढ़िया कैमबैक क्विक कर नहीं सकता, ठीक। कैमबैक ओके। तो भाई इसमें मेरा एक किल तो हो गया। तो फाइनली भाई यहाँ पर देखना भाई, बंदा ग्लू वॉल के अंदर फाइनली कैसे भाई घुस कर मारता है इस बंदे को। तो फिर मैं ओरियन से भाई इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक ना। देखा ना ओरियन का पैदा बाहर से ही डाउन, और इसको मारने का कोशिश करता हूँ। फिर छोड़ता हूँ कि छोड़ो यार, इसके मारने के चक्कर में मैं ही मत मर जाऊँ। और जैसे निकलता हूँ और उधर सामने वाले बंदे फाइनली भाई उसको मार देता है, ठीक है। तो इस राउंड को तो मैंने निकाल लिया, तो देख सकते हो मेरा 3 किल हो चुका है। तो फाइनली गाइज बहुत ही मुश्किल के साथ हम यहाँ पर 3-3 कर चुके हैं और हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है मैच। भाई देख सकते हो उस बंदे ने 10 किल कर रखा है। तो भाई तुम्हारे भाई को इसमें मारना होगा कैसे भी करके, ठीक ना। ये गेम मेरे को कैसे भी करके भुइया लेना है भाई। तो फाइनली गाइस इसमें 1 किल करके मैं इस गेम को भुइया ले लेता हूँ। और भाई इधर अपना भुइया हो चुका था, और इधर देख सकते हो 44 स्टार लग गया और स्ट्रीक भी बन गया। और भाई फिर भाई मैं दूसरा गेम लगा देता हूँ, और इधर देख सकते हो अपना मैं डाउन भी हो गया। लेकिन भाई इसमें अपने टीममेट गेम इसको निकाल देते हैं और इसको भी हम आराम से जीत जाते हैं और अपना एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं। इधर अपना 46 हो चुका है और भाई 9 का स्ट्रीक भी लग चुका है। तो फिर क्या भाई, अब मैं तीसरा गेम भी लगा चुका था और इसमें देख सकते हो 2v2 का सिचुएशन हो चुका था, और स्टिक तोड़ने के लिए भाई कलहारी मैप भी आ चुका था। इधर 2v1 का सिचुएशन हो चुका है। तो भाई इधर मैं तो इस बंदे को डाउन कर देता हूँ, लेकिन भाई लास्ट वाला बंदा मेरे को पता ही नहीं रहता है कहाँ पर है। ये अचानक बंदा आ जाता है और इसको मैं कैसे भी करके ओरियन से मार देता हूँ और 3v1 का सिचुएशन कर लेता हूँ। उसके बाद भाई फिर क्या, मैं रश कर देता हूँ बंदे पर, और इधर अपने 2 बंदे डाउन भी करके रखा था और इसको मैं मैच से नॉक करता हूँ। तभी भाई उस लौंडिया ने भी मेरे को लॉक कर दिया। लेकिन बताओ भाई, मेरा ओरियन था और इस गेम को भी हम आसानी से जीत जाते हैं। तो फिर क्या भाई, मैं स्ट्रिक के साथ साथ पॉइंट भी अपना बढ़ाते रहता हूँ और 10 का स्ट्रिक कर देता हूँ। कर देने के बाद फिर मैं भाई गेम लगाता हूँ दूसरा, और मेरे को भाई ये बंदा बहुत डैमेज कर देता है, मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। इधर भाई 2 बंदे हमारे भी डाउन, 2 बंदे उसके भी डाउन भाई। लेकिन भाई कोई फायदा नहीं होता भाई डाउन करने का, कोई फायदा ही नहीं होता। ये देखो यहाँ पर बंदा आता है और इसको आराम से रिवाइव कर देता है। उधर 3 बंदे भी हो चुके थे मगर फुल। अरे भाई इधर रिवाइव ही नहीं होता भाई इसी इसके साथ, रैंडम बंदे के लेने के साथ। तुम समझ सकते हो भाई कितना ये प्रॉब्लम वाला बात होता है भाई। माइक खोलो तो गाली गलौज केवल करते हैं बंदे, ये ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और इधर भाई क्या मैं बताऊं भाई, इधर अपना पूरा जो मैं मेहनत करा था वो सारा पानी में मिल गया था। कम से कम बंदे आ जाते तो मैं भी रिवाइव हो जाता, और 2 बंदे जो डाउन थे मेरे साथ साथ वो कम से कम उनको क्लियर तो कर लेते भाई। तो बहुत ही मुश्किल के बाद भी भाई इस गेम को भी मैं भुइया कर लेता हूँ और अपना स्ट्रीक के साथ साथ पॉइंट भी बढ़ा लेता हूँ। और इधर अपना स्ट्रीक हो चुका था भाई, 48 का पॉइंट हो चुका था और स्ट्रीक अपना 11 का लग चुका था। तो 11 का लग चुका था, मैं अंदर अंदर बहुत ही खुश था। तो भाई खुशी तोड़ने के लिए बंदे तो आएंगे स्ट्रीक तोड़ने के लिए, तुमको मारेंगे ही मारेंगे। इधर अपना 2v2 का सिचुएशन हो जाता है। इधर देखना भाई मैं गजब मरता हूँ यार, पीछे से बंदे इतने बैकअप करते हैं। मैं इधर गया, ये आता है फिनिश हो जाता है। ओ भाई क्या करता है मेरे को पता ही नहीं चलता है। ये भाई रैंडम बंदे करेंगे क्या कुछ पता ही नहीं चलता है भाई इस गेम में पूरा पूरा। ये देखो इमोट भी दिखा रहा था और मेरे को गुस्सा भी बढ़ रहा था, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। स्ट्रीक था भाई, स्ट्रीक तोड़ को मैं रस तो नहीं कर सकता ना, रस कर दिया क्या बताइए, बंदे बढ़िया से खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। इसलिए भाई मैं होल्ड करता हूँ, और इसको तो भाई क्या मैं बताऊँ भाई, कम से कम नुबड़े डाउन करते हो तो पूरा मार लो, ठीक ना। छोड़ने का किस लिए भाई, छोड़ के करोगे क्या तुम पहले ये बताओ। तो यहाँ पर भाई इसका तो पूरा मतलब क्या बताऊँ, इसको तो पूरा मतलब मार देते हैं। ये देखो यहाँ पर इस बंदे को नॉक करता है, ठीक ना। ये देखो नॉक करा,
नौ करा, डिमिट्री भी लगा लिया है बंदा, फूल नहीं मारता है देखो। अब उसको पता है कि तुरंत ये भी रिवाइव हो जाएगा। अरे फूल मार ले भाई, फूल मार ले, पूरा मार के पूरा धजिया उड़ा दे, ठीक ना। तो गाइज मैं इस राउंड को इसीलिए इस वीडियो में रखता हूँ कि भाई हम लोग सारे बंदे कैंप कर रहे थे, ठीक ना, बंदे नेट पर नेट मार रहे थे, नेट पर नेट मार रहे थे, और फिर भाई ये पता ही नहीं चलता है कि ओपोनेंट मर कैसे रहे हैं, ठीक ना। ये देख लो, पता ही नहीं चलता है कब कौन नाव, देखो दो नाव खो गए। इधर मैं मारने जाता हूँ, पता ही नहीं चलता भाई, इतना जल्दी ये राउंड ख़त्म हो जाता है ना, हम कैंप करते ही रह जाते हैं और लगता है कि ऐसे ही भुइया हो जाता है इस राउंड में। बंदे इसमें बढ़िया थे मगर भुइया हो जाता है। और अपना स्ट्रीक भी भाई देख सकते हो, स्ट्रीक अपना 12 का हो चुका है। एक गेम खेलना है खाली, एक गेम फिर मास्टर की लाइन में आ जाऊंगा। तो भाई इस गेम में तो बंदे भाई जो सामने वाले थे वो भी मास्टर जाने वाले थे, और मेरे साथ भी जो बंदे थे वो भी मास्टर जाने वाले थे। भाई इसमें तो क्लियर था कि भाई बहुत ही इंस्टेंट मैच होगा, क्योंकि सारे बंदे आए होंगे केवल 1-1 स्टार लगाकर और भाई अपना मास्टर लेने के लिए, ठीक ना। मैं यहाँ पर मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई क्या बताऊँ भाई, बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, इधर अपना किल बंदे सिक्योर कर लेते हैं। तो भाई इधर मेरे को तो किल नहीं मिलता है भाई, इसमें मैं क्या बताऊँ। ये देखो सामने वाला बंदा भी कैसे गया भाई, बंदे नेड मारने लगते हैं भाई, जैसे ही मास्टर आ जाते हैं बंदे खूब नेड मारने लगते हैं, इतना नेड मारने लगते हैं कि क्या बताऊँ। तो भाई मैं पहले इसको रिवाइव कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं रिक्स लेकर नहीं खेलना चाहता था, ठीक ना। इधर ऊपर में एक बंदा था तो भाई इसको मैं खूब डैमेज देता हूँ, मगर भाई ये भी मेरा किल चोरी हो जाता है, मैं क्या करूँ भाई, इतना किल चोरी। मगर मास्टर का था तो भाई मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, ये भाई एक बंदा था, ठीक ना, ये बंदे बताओ इसमें मैं भी घुस जाता तो मेरे को भी हेड लग सकता था, ठीक। तो मैं घुसता नहीं हूँ, मैं बाहर रहकर वेट करता हूँ और इधर अपना आराम से मैं विक्ट्री ले लेता हूँ इस राउंड को, ठीक ना। इधर भाई मैं 12 का स्टिक लेकर आया था तो बंदे भी मेरे वाले सारे खुश थे भाई। बंदे बोल रहे थे भाई कि 12 का स्टिक लेकर आया है बंदा, 12 का स्टिक लेकर, मेरे को मजा आता है भाई कि चलो भाई बंदे बोल तो रहे हैं ना। फिर मैं बार बार शो ऑफ करने का कोशिश भी करता हूँ मगर क्या करूँ भाई, किल ही नहीं हुआ, डैमेज देकर मेरे को बस रहना पड़ा। अरे भाई साहब यहाँ पर मैं क्या बताऊँ भाई, इतना गंदा यहाँ पर स्कैम होता है हमारे साथ ना कि मैं क्या बताऊँ भाई। बंदे स्केलर का यहाँ पर इतना बढ़िया यूज करते हैं, ये देखो कहाँ से बंदे मार रहे थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाई, ग्लूवाल पर ग्लूवाल फूट रहे थे भाई। यहाँ पर देखना थोड़ा, देखो मैं रिवाइव हुआ, फिर इसको मैं रिवाइव करता हूँ, फिर मैं ग्लूवाल डालता हूँ, एक बंदा और घुस जाता है, यहाँ पर बंदा डाउन भी करता है, फिर हम तीन बंदे डाउन रहते हैं, तुरंत ग्लूवाल फूटेगा, हम सारे बंदे फिर से रिवाइव हो जाते हैं और फिर ग्लूवाल फूटता है और फिर भाई ओरियन बन के बंदे घुस जाते हैं अंदर, और भाई अपना इधर पूरा बंडा धार हो चुका, जो भी हम लोग सोचा था वो पूरा। तो भाई मैरी ग्लूवाल एक बंदे के पास तो होना जरूरी होता है, और इधर भाई बच्चा भाई खूब बोलता है, खूब बच्चा बोलता है। इधर भाई देखना भाई मेरे को बंदे क्या बोलते हैं भाई, उसके बाद तो मेरा खून खोल जाता है। देखो भाई बोलता है बंदा कि इसका 12 का स्ट्रीक और एक बंदा भी नहीं मार पाता है, देख लो भाई। अरे भाई साहब क्या भाई, इधर भाई अपने को खुश में खीस में भाई एक तो हेड मारता हूँ और एक बंदा ये भाई मैं किल चुरा लेते हैं बंदे, तो मैं क्या करूँ भाई कैसे मारूँ। इधर देखो एक बंदा उसी क्रोध में मैं किल करता हूँ और भाई मैं सोचता हूँ इसको मार दूंगा कैसे भी करके, कम से कम एक किल चाहिए। तो एक बंदा तो सपोर्ट में आता है भाई, बोलता है कि भाई कभी कल होता है कि बंदे से नहीं लगता है, ठीक ना। मगर इधर देखना भाई इसको भी मैं डैमेज देता हूँ, ये देखो 3 गोली 4 गोली मैं डैमेज देता हूँ। अब बताओ भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, बताओ। अब भाई मैं डैमेज तो दे रहा हूँ ना, तुम लोग किल चुरा रहे हो तो मैं क्या करूँ। तो फिर क्या भाई, इस गेम को हम आराम से भुइया ले लेते हैं। इधर देखना दो बंदे रहते हैं और हम चार बंदे, ये तो भाई जाहिर सी बात है कि जितना तो हमारा ही होगा। इधर मैं इस बंदे को आराम से मार कर इसको कम से कम भाई कुछ इज्जत बचा लेता हूँ भाई, किल करके भाई किल ही नहीं हो रहा था, इसको मैं भुइया ले लेता हूँ। मैं भाई MVP तो नहीं आ सका मगर इधर अपना मास्टर लगता है भाई, ये देखो भाई मास्टर। अबे इलाइट हीरोइक भाई मास्टर लगाना, इलाइट हीरोइक क्यों दिखा रहा है। इधर देख सकते हो भाई अपना मास्टर लग चुका है, इधर 50 भी स्टार हो चुका है और इधर अपना भाई सीजन भी पूरा डन। तो मिलते हैं गाइस अगले गेम प्ले वीडियो के साथ में,
तो भाई वीडियो को लाइक करो, और भाई इस वीडियो पर अगर 200 लाइक हो जाते हैं तो मैं भाई ग्रैंड मास्टर पुश जरूर से जरूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो के साथ में।